वहां केजरीवाल जी शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, जल विभाग घोटाला क्या काम था, जो दवाई घोटाला में भी अपना नाम जोड़ लिए। केजरीवाल जी आपको संगत का असर हो रहा है, जरा संभल के केजरीवाल जी, वरना 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाओगे। कट्टर ईमानदार पार्टी की सरकार पर एक और आरोप लग गया है, दवाई घोटाला क्या यही कट्टर ईमानदारी है कि एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जनता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया उसी जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं अपितु अपराध है। दिल्ली में 300 करोड़ के दवाई घोटाले का जिक्र अचानक से शुरू हो गया है। आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार ने जो दवाइयां खरीदी है उनमें कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली है। इस मामले में एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए हैं। इस वजह से एक बार फिर केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तकरार बढ़ने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अवांछित दवाओं की खरीद में 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया और उसमें पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल रहे। वैसे यहां यह समझना जरूरी है कि इस मामले की जांच साल 2017 में शुरू हुई थी। आम आदमी पार्टी का इस पर कहना है कि दिल्ली सरकार ने खुद एलजी को एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत दी थी। उस अधिकारी का नाम दीपक कुमार था, जिस पर आरोप लगा है कि उसने राज्य सरकार की फरिश्ते योजना को रोक दिया था। उस समय आप सरकार ने एलजी से पूछा था कि क्या वे इस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं। अब उस अधिकारी को लेकर तो इनपुट ज्यादा नहीं आया है, लेकिन इस मामले में सीबीआई की एंट्री से कई तरह की दुविधाएं बढ़ गई है। इस मामले में एलजी कार्यालय का कहना है कि अस्पतालों को खराब गुणवत्ता वाली दवाइयां मिली है। यहां तक कहा गया है कि 10% दवाई के नमूने भी फेल हो गए। अभी के लिए एलजी ने तो विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही यह जांच के आदेश दिए हैं। वैसे जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, अस्पतालों में उनका काफी इस्तेमाल रहता है। बताया जा रहा है कि अम्लोडिपाइन, लिविटिरासीटम, पेंटोपेराजोल जैसी दवाएं लैब टेस्ट में फेल हो गई है। इसके अलावा सिप्लेक्सिन, डेक्सामेथासोन भी निजी लैब में फेल हो गई है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 40.92 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में कंपनी की 35.10 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। कंपनी में आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा निदेशक है। ईडी ने शुक्रवार को बताया कि मलेरकोटला में स्थित संपत्ति तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़ी है। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत एक अंतरिम आदेश जारी कर संपत्ति को अटैच किया गया। ईडी ने कहा, ऋण राशि को तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड से विभिन्न फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित किया गया और उसके बाद इसे तारा हेल्थ फूड लिमिटेड और एक अन्य सहायक कंपनी तारा सेल्स लिमिटेड में लगाया गया। एजेंसी ने कहा कि 3.12 करोड़ रुपए की राशि माजरा के व्यक्तिगत खातों में डाइवर्ट की गई थी। इसके अलावा 33.99 करोड़ मेसर्स THFL को दिए गए थे। अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक माजरा को ईडी ने नवंबर की शुरुआत में इस मामले में गिरफ्तार किया था। आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना शाखा की शिकायत पर 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किए गए थे। मई 2022 में सीबीआई और सितंबर 2022 में ईडी ने उनके अमरगढ़ स्थित घर और अन्य परिसरों पर छापे भी मारे थे, जिसमें 16.57 लाख रुपए नकद मिले थे। ईडी और सीबीआई की जांच के अनुसार लोन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए बैंकों से पैसा लिया गया था। इस मामले में पिछले महीने 6 नवंबर को ईडी ने विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गिरफ्तार किया था। जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने विधायक बनने के बाद पंजाब की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए सिर्फ 1 रुपया वेतन लेने का ऐलान किया था। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा में एक शपथ पत्र भी दिया था। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक और सीबीआई जांच के घेरे में घिरती दिख रही है।
दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं को लेकर सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी है। इसके बाद एलजी सक्सेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर मामले की जांच और सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें सीबीआई पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच कर रही है। इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में हैं। दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत भी बढ़ गई है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल भी मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें 3 जनवरी को ईडी ऑफिस बुलाया गया है। वहीं एलजी के इस निर्देश के बाद दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्री लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज को तत्काल पद से हटाया जाए, इसके लिए भाजपा आंदोलन करेगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत। शराब घोटाले के बाद अब आपका दवाई घोटाला। पैसों की खातिर मुख्यमंत्री जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए केजरीवाल सरकार का एक और कट्टर ईमानदार घोटाला। केजरीवाल की हर बात हर काम नकली निकला, लेकिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों को नकली दवाई देना केवल करप्शन नहीं, यह महापाप है। अरविंद केजरीवाल पैसों के लालच में इतना अंधे हो चुके हैं कि गरीब बीमार लोगों को नकली दवाई देने लगे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल की विजिलेंस रिपोर्ट बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह शर्मनाक और दर्दनाक है। इन अस्पतालों में जो दवाइयां दी जा रही हैं, उनके सैंपल फेल हो गए हैं। एक व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है, वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जिसने बहुत कम समय में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली में दारू के बाद अब दवा घोटाला। सरकारी अस्पतालों की दवाएं निकली नकली, तो एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। समन के बावजूद विप सियाना में व्यस्त। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल की हवा खा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आपके एक अन्य पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिला है, लेकिन वो पूछताछ के लिए उपलब्ध होने में असमर्थता जताकर विप सियाना के लिए निकल गए हैं। अब दिल्ली सरकार एक और घोटाले में फंसी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दवा घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद के मामले में नियमों की अनदेखी की गई और घोटाला हुआ। दिल्ली के अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाओं में बड़ी गड़बड़ी हुई है। न सिर्फ खरीद में लापरवाही बरती गई, बल्कि सरकारी एवं प्राइवेट लैब में जब इनकी टेस्टिंग की गई तो उसमें भी ये फेल साबित हुए। सतर्कता विभाग ने इस संबंध में एलजी के पास रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। ये दवाएं तय मापदंडों पर खरी नहीं उतरी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को भी पत्र लिखकर जांच करने के लिए कहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में उससे पहले लगातार घोटालों का सामने आना केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। उधर 19 जनवरी तक मनीष सिसोदिया और 10 जनवरी तक संजय सिंह की हिरासत की अवधि अदालत ने बढ़ा दी है। यानी दोनों नेताओं का नया साल सलाखों के पीछे ही मनेगा। एलजी ने यह भी आदेश दिया है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से नकली दवाएं हटाई जाए। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आप सरकार पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कितने मरीजों पर बुरा असर पड़ा और कब से यह चल रहा था, इसका जवाब उन्होंने सरकार से मांगा है। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने याद दिलाया कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक में भी बच्चों को दी गई दवाएं जानलेवा साबित हुई थी। वहीं आरपी सिंह ने बताया कि जल बोर्ड से लेकर डीटीसी बसों तक हर जगह दिल्ली में घोटाले हो रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत। आबकारी नीति घोटाला केस में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस मामले में पहले ही पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं, लेकिन अब इसकी आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है।
ईडी केजरीवाल को एक के बाद एक समन भेज रहा है, लेकिन सीएम अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी कर दिया है और उन्हें 3 जनवरी को पेश होने को कहा गया है। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इससे ध्यान विधि के दौरान सीएम को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। अब इन्हीं सब के बीच केजरीवाल का एक पुराना ट्वीट वाली तस्वीर काफी चर्चा में आ गई है, जिससे उनकी काफी थू हो रही है। केजरीवाल ने अपने पुराने ट्वीट में लिखा है, एक देशभक्त भारतीय होने के नाते मेरा सिर तब शर्म से झुक जाता है जब हमारे भ्रष्ट नेता जांच एजेंसियों के कई बार समन भेजने के बाद भी ईडी और सीबीआई के सामने पेश नहीं होते, जबकि आरोप लगते ही उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। अब ट्वीट वाली पुरानी तस्वीर वायरल होते ही केजरीवाल पर लोग खूब तंज कर रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, केजरीवाल ने अपना भविष्य देखकर ही 2012 में ही शर्म से सर झुका लिया था। मनोज कुमार ने लिखा, शर्म तो उन्हें आती है जो शर्माते हैं, सर जी तो इतने बेशरम है कि इनसे तो शर्म भी खुद शर्माती है। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने लिखा, केजरीवाल जी का यह ट्वीट 2012 का है, ईडी सीबीआई के सामने हमारे भ्रष्ट नेता पेश क्यों नहीं होते, आरोप लगते ही हमारे भ्रष्ट नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब खुद ईडी सीबीआई से जान बचाकर भागते फिर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लिखा, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में बुलाई थी, इसमें केजरीवाल भी शामिल हुए थे। बैठक से निकलने के तुरंत बाद सीएम केजरीवाल व्हिप सियाना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंच चुके हैं और सभी कामकाज से दूर यहां 10 दिनों तक साधना में रहने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 19 और 21 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था। व्हिप सियाना की शुरुआत का श्रेय भगवान गौतम बुद्ध को दिया जाता है। भगवान बुद्ध के ही पंचशील का दूसरा सिद्धांत है कि चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी से बचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल 10 दिनों तक के जिस व्हिप सियाना के लिए गए हैं, वह ध्यान की एक ऐसी विधा है जिसके तहत सबसे ज्यादा लोगों ने बुद्धत्व या ज्ञान को हासिल किया है। यह मानसिक रूप से मजबूत बनने की अब तक की सबसे प्रभावकारी विधि मानी जाती है। यह साधना इंसान के लिए आत्मचिंतन और आत्म मंथन की एक विधि है। व्हिप सियाना में जिस प्रोसेस को लोग फॉलो करते हैं, उसमें मन को सुकून मिलता है और लोग आत्म शुद्धि को हासिल करने में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मनीष सिसोदिया भी सोचते होंगे कि अरविंद केजरीवाल भी बड़ा तेज है, सबको भगत सिंह बताकर जेल भिजवा देता है और खुद सत्ता के मजे लेता है। केजरीवाल जिसने अपने गुरु और मेंटर अन्ना हजारे को इतना बड़ा धोखा दिया और उसके तमाम सत्ता पूर्व और बाद की कथनी और करनी का क्या फर्क शायद इस सदी की जनता से किया गया सबसे बड़ा फ्रॉड है। अपनी वाकपटुता से उन्होंने दिल्ली वासियों को ऐसा भ्रमित किया है कि उस जाल से निकलना असंभव सा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन भेजा है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली के सीएम को 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को भेजा गया यह तीसरा समन है। उन्हें पहले 2 नवंबर और उसके बाद 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री फिलहाल व्हिप सियाना के लिए गए हैं। दूसरे समन पर पेश होने से इनकार करते हुए केजरीवाल ने मामले के जांच अधिकारी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत पेशी के लिए उनके खिलाफ जारी किया गया नोटिस कानून के अनुरूप नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि 3 जनवरी को भी सीएम पेशी पर नहीं आते हैं तो क्या होगा। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया नया समन कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र का राजनीतिक दिखावा प्रतीत होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारद्वाज ने कहा, हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्हिप सियाना में है,
ईडी को भी अच्छी तरह से मालूम है कि उन्हें समन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब वे 10 दिनों के लिए विपसियाना में हैं और इस दौरान उनके पास संचार का कोई माध्यम नहीं है। सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया से एक बात का तो मजबूत संकेत मिलता है, वह यह है कि केजरीवाल इस बार भी शायद ईडी के सामने पेश नहीं हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत बुलाया गया कोई व्यक्ति 3 बार पैसे से बच सकता है। इसके बाद एजेंसी उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग करते हुए कोर्ट का रुख कर सकती है। PMLA के तहत ही केजरीवाल का मामला भी आता है। NBW अदालती आदेश है, इसमें व्यक्ति को एक तय तारीख और समय पर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। अदालत के इस आदेश की अवहेलना पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी के सामने और भी विकल्प है, मसलन वह सैद्धांतिक तौर पर तब तक नोटिस जारी करता रह सकता है जब तक सीएम केजरीवाल उसका पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी अधिकारी उनके आवास पर जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। अगर उनके पास ठोस सबूत है और उन्हें अपने सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं तो वे गिरफ्तारी कर सकते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत। यह है राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार। जब बीजेपी MLA के ऑफिस से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे तब मुंह में मोटर लगा लिए थे, लेकिन अब जब झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर से 353 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हुई तो मुंह में दही जमा बैठे थे, लेकिन अब जो कहा उससे पूरा देश हैरान है। कांग्रेस और वाम दलों की हिमायती पत्रकार राजदीप सरदेसाई सांसद धीरज साहू के घर से बरामद सैकड़ों करोड़ रुपए की नकदी के मामले में उनकी पार्टी के बचाव में उतराए हैं। आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर रेड डालकर 353 करोड़ से अधिक की भारी नकदी बरामद की। नकदी बरामद होने के बाद कुछ ही दिनों बाद राजदीप सरदेसाई कांग्रेस की ढाल बनते दिख रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सरदेसाई ने दावा किया कि घोटाले के इस दागी नेता के सांसद बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक काल्पनिक सोर्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस 2018 में साहू को राज्यसभा का टिकट नहीं देना चाहती थी। विवादास्पद पत्रकार सरदेसाई ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं की पैरवी के बाद साहू को टिकट देने को तैयार हुई थी जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजदीप सरदेसाई ने मर चुके कांग्रेस नेता का हवाला देते हुए अंदाजा लगाया कि शायद उन्होंने ही धीरज प्रसाद साहू को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस पार्टी पर दबाव डाला था। इस तरह सरदेसाई कांग्रेस आलाकमान को क्लीन चिट देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे कह रहे हैं, झारखंड के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि साहू को 2018 में टिकट नहीं दिया जाना था, लेकिन वह दिल्ली में साहू के लिए लॉबिंग करता रहा। कांग्रेस के रसूखदार लोगों की मदद से आखिर वक्त में वे साहू को राज्यसभा का टिकट दिलाने में कामयाब रहा। सरदेसाई बेशर्मी से कहते हैं, उनको यानी धीरज साहू को फायदा पहुंचाने वालों में एक ऐसा शख्स भी था जो अब जिंदा नहीं है। उसने बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस की कमान संभाली थी। दिलचस्प बात यह है कि जिन अन्य लोगों ने भी उनकी मदद की थी उनमें से कुछ अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। धीरज प्रसाद साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उनका परिवार आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। वे 2009 के उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। इसके बाद साल 2010 में उन्हें दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था। उन्हें तीसरी बार कांग्रेस ने 2018 में राज्यसभा के लिए चुना। धीरज साहू संसदीय कार्रवाई के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी रहे थे। अब जबकि उनके यहाँ बेहिसाब नकदी बरामद हुई तो कांग्रेस खुद को धीरज साहू से अलग कर रही है। इसके लिए राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार भरपूर माहौल बना रहे हैं। दरअसल ओडिशा में धीरज प्रसाद साहू की भागीदारी वाली बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड में हालिया छापेमारी में आयकर विभाग ने 353 करोड़ रुपए से अधिक नकदी बरामद की। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि IT छापे में अपने सांसद धीरज साहू के पास से करोड़ों रुपए की नकदी जब्त होने के बाद अब पार्टी ने क्राउड फंडिंग अभियान का ऐलान कर डाला है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।